छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर क्षेत्र अपने घने जंगलों और इन जंगलों में हजारों सालों से बसे हुए आदिवासी समाजों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बस्तर वो क्षेत्र भी है जो आज आधुनिक ऊंचे समाज के लिए बहुमूल्य कोसा भी पैदा करता है और पीतल पिघलाकर उत्कृष्ट कलारूप भी निर्मित करता है। इन्हीं वजहों से इस इलाके के छोटे छोटे से गांव में बसे हुए प्राचीन आदिम समूह अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान रखते हैं। लोगों का जीवन यहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा निर्भर है, इसीलिए ज्यादा संघर्ष भी है जिंदगी का। पुष्पाल इसी तरह का छोटा सा गांव है। यहाँ के लोग आसपास के साल वनों से कोसा कोकून इकट्ठा कर हाट बाजारों में औने पौने दामों में बेचकर साल भर में 2-3 महीने का रोजगार ही प्राप्त कर पाते थे। इसी कोकून से कोसा धागा निकाला जाता है और यही धागा आगे के बाजारों में अपनी बेशकीमती उपयोगिता आधुनिक उत्कृष्ट वस्त्र व्यवसाय में सिद्ध करता है। वन विभाग ने यह महसूस किया कि कोसा धागाकरण के काम से अगर इन ग्रामीणों को जोड़ा जाए तो इन्हें साल भर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। पुष्पाल की वन प्रबंधन समिति की सदस्य महिलाओं को जोड़कर एक स्व सहायता समूह बनाया गया। तो सरकार तरफ से स्व सहायता समूह बनाए, 14 लोग हैं। हमारा मेन एम ये है कि किस तरीके से एक ऐसा संसाधन गांव में उपलब्ध किया जाए जिससे उनको हमेशा रोजगार मिलता रहे। और छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा जो रैली कोसा होता है इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है। हमने कई गांव में ये कार्य शुरू करने का योजना बनाई है। ग्राम पुष्पाल में पिछले साल से ही ये कार्य महिला समूह के माध्यम से किया जा रहा है। अपने घर के कार्य के साथ ही साथ महिलाएं ककून से धागाकरण का कार्य करती हैं, जिससे प्रतिदिन उन्हें 45 से 50 रुपए के आसपास की आमदनी होती है। और भी महिलाएं जुड़ी तो इनकी सदस्य संख्या बढ़कर 30 हो गई। वन विभाग वाले वहीं लोगों को 3,75,000 दिए, उसी से हम पूंजी बना के तो कोसा धंधा कर रहे हैं। महिलाओं ने इसमें रुचि ली और रेशम विभाग के सहयोग से रैली कोसा से धागा निकालने का पूरा तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया। बाहर से ट्रेनिंग देने आए सर, वो वन विभाग वाले बोले तो कोसा का धागा निकालना है, तुम लोग सीख पाओगे, ट्रेनिंग दिलाएंगे बोले। मतलब इस एक धागे में कितना धागा है? 6 धागा। तो जैसे 20 लीटर यदि पानी डालना है तो 200 ग्राम साबुन और 200 ग्राम सोडा को पानी में, गर्म पानी में उसको घोल लीजिए। तो आप महीने में यदि 4 किलो धागा भी बना रहे हैं तो आपका 2400 रुपये जो है आमदनी जो है इससे घर बैठे आप जो है कमा सकते हैं। महिलाओं ने अपने दैनिक घरेलू कामकाज से बचे हुए समय में धागाकरण काम शुरू किया। और औंधे घड़ों पर फिसलते हाथों ने थोड़े ही समय में 74 किलो कोसा धागा तैयार कर दिया। मई 2009 में शुरू हुए इस काम से हर महिला सदस्य ने 1,000 से 1,600 रुपए प्रतिमाह तक की शुद्ध आय अर्जित की है। हम लोग तो कोसा का धागा बना रहे हैं, उसको 1,000 रुपया किलो में देते हैं। कोई कोई तो 1,500-2,000 तक हुआ, कोई कोई 3-4 हजार कमाई। मिल जुल के भी कर रहे हैं और व्यक्तिगत भी महिला लोग कर रहे हैं। जो समूह बना उस दिन से हम महिला लोग भी 4 पैसा कमाने का चालू किए। महिलाएं साल वनों से कोसा कोकून इकट्ठा करती हैं
और उन्हें अपने घरों में भारी मात्रा में जमा करके रखती हैं। जरूरत पड़ने पर सीधे कोकून हाट बाजारों में बेचती हैं या फिर सदस्य महिलाओं को देती हैं और धागाकरण भी करती हैं। घींचा धागा के नाम से जाना जाने वाला ये कोसा धागा विक्रय केंद्रों पर खरे दामों पर सीधा बिकता है। आय व्यय के सारे लेखे जोखे खुद संभालने वाली इन महिलाओं को अब विद्युत चलित धागाकरण मशीनों का प्रशिक्षण दिया जाकर मशीनें भी दी जा रही हैं। धागा निकालने का मशीन दिए रेशम केंद्र से, 2 महीना लगभग ट्रेनिंग किए और सीख गए। पहले हम लोगों को कुछ काम नहीं था, जो खेती बाड़ी काम करते समय हम खेती में जाके काम करते थे और घर में ही रहते थे और आदमी लोगों से पैसा मांगते थे हाट बाजार के लिए, साग सब्जी के लिए। अब मांगना नहीं पड़ रहा है, हम खुद कमाई में खर्चा कर रहे हैं, साग सब्जी में भी और लड़का लड़की को पढ़ाने के लिए इसमें लगा रहे हैं, बचत भी कर रहे हैं। सबको तो मिल रहा है फायदा, फायदा होने से तो कर रहे हैं, नहीं होने से कहाँ से करते हैं। समूहों में काम कर रही इन महिलाओं ने दक्षता और व्यावसायिकता दोनों को ही साथ लिया है। चिलकुटी, चेरबहार और सिडमूढ़ जैसे गांव में बसे खड़वा शिल्पकार पीतल धातु से पारंपरिक कलारूप तैयार करते हैं। और पीतल धातु को पिघलाने के लिए भट्टियों में जंगल से लाई लकड़ी का ही उपयोग किया जाता था। जंगलों पर गहरा दबाव था और अवैध कटाई तो होती ही थी। लकड़ी जंगल से लाते थे पहले। परंपरागत रूप से बेल मेटल के कार्य करने वाले लोग मेटल को गलाने के लिए और उसको पकाने के लिए फॉरेस्ट से जलाऊ लकड़ी लाते थे। काफी अधिक मात्रा में जलाऊ लकड़ी का उपयोग होता था जिससे जंगल पर जो है दबाव पड़ता था। दूसरी तरफ ये शिल्पकार अपने कलारूप बिचौलियों को बेचने के लिए ही बाध्य थे। राष्ट्रपति पुरस्कार पहले जो मानिक को जगदलपुर वाले को मिला था, वो आदमी मर गया फिर भी उसको 2 पैसा नहीं मिला, उसके भाई लोग बर्तन घिस के खा रहे हैं, वैसा हमारा कला का बेइज्जत कर लिए। साहूकारों बिचौलियों के ऋण में डूबे इन शिल्पकारों को वन विभाग ने प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ो और धीरे धीरे ये कर्जा चुकारा करते जाओ और भी आपको शासन साथ देगा बोल के वन विभाग वाला जो मीटिंग किए थे। वन प्रबंधन समिति से जुड़े इन शिल्पकारों के स्व सहायता समूह बनवाए। इसमें समूह बनाए, जंगल विभाग तरफ से समूह बनाए हम, कुछ फायदा कर्जा दिया और कुछ आगे बढ़ो बोल के वो पैसा कर्जा भी दिया है और वो समूह का द्वारे सामान भी बना रहे हैं। अपने जो वन विभाग तरफ से खाता मन तीनों समिति का खाता है। नई तकनीकों का ज्ञान दिया। इन शिल्पकारों के स्व सहायता समूह को कच्चे माल के लिए आर्थिक मदद के अलावा बड़े बड़े वर्कशेड, गैस भट्टियां, बफिंग मशीन और ग्राइंडिंग मशीन भी मुहैया करवाई। पहले वो ढालने वाला सिस्टम नहीं था, अभी ढालने वाला सिस्टम आ गया, शासन तरफ से मिला हुआ है, उस सिस्टम से नया करके हम ढाल रहे हैं। तो वन विभाग हमको 1.5 साल हो रहा है, कितना हमको मदद कर रहा है और कितना सहायता करके अपना हाल मन बना दी और तो मशीन दिए दिया और सफाई वाला मशीन दे दिया, बेल्डिंग वाला मशीन दे दिया, सब कुछ दे दिया और बाकी हमको कर्जा दिए हैं 90,000 रुपया एक एक समिति को, तीनों समिति और चिलकुटी में एक समिति है, 4 समिति है हमारा जो कलाकार का। अभी तक तो 1.5 लाख दे दिए, बहुत है हमारे लिए, फिर भी और आने वाले समय में उसको वापस कर दिए तो और भी मिल जाएगा। फिर फ्यूल ब्रिकेट्स लकड़ी के जगह यूज करना प्रारंभ किया। लगभग 3 गुना कैलोरिक फैलू उनकी जो है ज्यादा होती है। अगर 3 किलो जो है उसको लकड़ी लगती थी तो आज की स्थिति में उसको सिर्फ 1 किलो फ्यूल ब्रिकेट्स की आवश्यकता होगी। ज़्यादा लकड़ी नहीं खपाता है
और पहले जो लकड़ी सूखा लकड़ी बहुत लगता था, जैसे पहले एक क्विंटल लगता था अब एक किलो लग रहा है। कोयला जैसा पंखा घुमाने से एकदम धाव 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 हो जाता है, गर्म हो जाता है और पीतल भी जल्दी गर्म। हम भी डोकरा हो गए फिर भी कुछ भी नहीं मिला था। आज ये साल भर डेढ़ साल हो रहा है वन विभाग हमको जो गोद पुत्र ले लिया है, हमारा भविष्य बना दिए भाई। हमको सुविधा मिल गया हर चीज़ का, ये हाल बन गया। बरसाती में हमको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, बरसात में भी सामान ढली करके दो पैसा निकाल के खाते हैं। जिसका खाएंगे उसका तो गाएंगे। प्रदर्शनी होता है दिल्ली बॉम्बे जाके बेच रहे हैं और जी रहे हैं। पहले 2000 कमाते थे, अभी 3000 3500 कमाने जा रहे हैं। अब घर में भी कम से कम 30-40 हजार रुपए का सामान मन हर समय रहता है। सम्मति वाले दिन लेकिन सुविधा हासिल, ज्यादा तकलीफ नहीं है। खाना के पीना के पैसा कौड़ी ज्यादा तकलीफ नहीं है। अच्छा खाऊ से पिंदू से अच्छा कहीं औजार घेनू से, गाड़ी है टीवी है सोना चांदी ले आया हूँ। जिंदगी में आने वाले बदलाव यूं ही तो आते हैं, तभी पाऊं कभी भी कहीं से भी। बस्तर के सघनतम वन क्षेत्र माझकोट से सटे गांव त्रिया में भी यूं ही बदलाव दाखिल हुआ है। कच्चे धूल भरे रास्ते और ऊंचे घने पेड़ इसके गवाह बने हैं। त्रिया गांव में शायद कभी बिजली नहीं पहुंच पाती। यहां के बाशिंदों को कभी शायद अपने घरों के दरवाजे शुद्ध पेयजल नहीं मिलता, या फिर वे कभी चूल्हों में आसपास के जंगलों से काटी हुई लकड़ी के अलावा कोई दूसरा ईंधन इस्तेमाल नहीं कर पाते, या फिर वे खेत बनाकर उन्हें सींच कर कोई फसल ले पाते। ये गांव हर उस बात का सबूत है कि उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का बेहतर और सुंदर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। वन विभाग ने जब इस गांव में दस्तक दी तब तो सचमुच क्या रहा होगा, सिर्फ एक सदानीरा शबरी नदी और एक सदानीरा गणेश बहार नाले के अलावा यह सोच पाना मुश्किल काम है। त्रिया वन ग्राम में कुल 74 परिवार है और जनसंख्या कुल 368 लोगों की है। वन प्रबंधन समिति बनी और 2004 में ही सारे गांव में सोलर विद्युतीकरण का काम वन विभाग ने क्रेडा के सहयोग से कराया। इस सौर ऊर्जा का इस्तेमाल न सिर्फ घरों में प्रकाश के लिए हुआ बल्कि सारे गांव को स्ट्रीट लाइट लगवाकर रोशन किया गया। हर घर के सामने शुद्ध पेयजल प्रदाय के लिए नल व्यवस्था स्थापित की गई और इसमें निश्चित समय पर शुद्ध पेयजल दिया गया सौर ऊर्जा से चलित पंप के द्वारा, जो किसी आधुनिक शहर की पेयजल व्यवस्था के बराबरी की है। और फिर निश्चित समय पर हर घर के आगे लगे नलों में शुद्ध पेयजल आता है। वन प्रबंधन समिति के सदस्य ग्रामीणों ने ही फिर मांग की कि उनके लिए शबरी नदी और गणेश बहार नाले से खेती के लिए सिंचाई व्यवस्था हो तो वन प्रबंधन समिति के मार्फत बायोडीजल से चलित जनरेटर लगाया गया। खेतों में पाइपलाइन और छोटे डीजल पंप सेट के अलावा विद्युत चलित पंपों के साथ स्प्रिंकलर लगवाए गए। पंप के लिए डीजल आपूर्ति सतत बनी रहे, इसके लिए रतन जोत और
भिंडा भाजी के उत्पादन और विक्रय केंद्र की स्थापना की गई। आज त्रिया के ग्रामीण सब्जी भाजी की भरपूर खेती कर रहे हैं। 2008 में प्रयोग के तौर पर शुरू हुआ गोबर गैस संयंत्र आज त्रिया गांव में हर घर में हर गृहिणी के लिए महत्वपूर्ण जरूरत बनता जा रहा है। 52 परिवारों के लिए ये बायोगैस संयंत्र गैस आपूर्त करता है। बिल्कुल सुविधा होला ट्यूबवेल कोदला दुनिया भर रोला ये काय तो नल बनला और बिजली होला। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि संयुक्त वन प्रबंधन का माध्यम से वनों का सुरक्षा स्थानीय ग्रामीणों का द्वारा किया जाना है। जब से वन विभाग जंगल के आसपास रहने वाले लोगों से जुड़ा, उनको वनों की सुरक्षा में भागीदारी दी, प्रबंधन में सहयोग लिया, तब से उनका रुझान वनों की सुरक्षा में बढ़ा है। त्रिया गांव की वन प्रबंधन समिति के सदस्य अपने आसपास के 3219 हेक्टेयर वन की सतत सुरक्षा करते हैं और 2004-5 से काष्ठ कूपों की कटाई का लाभांश निरंतर पा रहे हैं। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फॉरेस्ट का जितना अमला है उससे कई गुने फोर्स हमारे पास है जो वनों की सुरक्षा और संवर्धन में अपना योगदान दे रही है। स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग में वन विभाग ने ग्रामीणों की आवश्यकता और सहयोग के आधार पर इस लाभांश को त्रिया गांव के कायाकल्प में ही लगाया है। ये छोटा सा गांव आज चिकित्सा और शिक्षा के स्तर पर भी आत्मनिर्भर है। अस्पताल में बीमारों का इलाज होता है और स्कूल में गांव के ज्यादातर परिवारों से आए बच्चे पढ़ने के लिए मौजूद रहते हैं। जंगल के आसपास रहने वाला, जंगल में रहने वाला जो हमारा अरण समाज है, ये समाज पहले से भी और आज भी वनों पर पूरी तरीके से आश्रित है। जब से जो है समितियों का गठन हुआ, वन विभाग का संवाद गांव वालों से जो बढ़ा, उनके अंदर भी एक अपनत्व की भावना आई। उनको ये लगा कि जंगल उनका है और आज की स्थिति ये है कि वो जंगल को, फॉरेस्ट को वो अपना समझते हैं और उसी के हिसाब से वो उसकी सुरक्षा और संवर्धन का कार्य कर रहे हैं। सारा संसार जानता है कि सूर्य रहने पर ही दिन का प्रकाश का एहसास होता है और उसके जाने के बाद सिर्फ अंधेरा होता है। पुष्पाल, सिरबुण और त्रिया वन प्रबंधन समितियों के कामकाज के चमकदार उदाहरण हैं। इन समितियों ने व्यवस्था और संकल्प की ताकत का इस्तेमाल अपने लिए कुछ इस तरह किया है कि सूर्य के जाने के बाद भी उसके लगातार होने का एहसास बना ही रहता है।